बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करते हुए देखा जाता है। वहीं अब प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म कमाल धमाल मालामाल 2012 के एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के एक सीन में एक्टर श्रेयस तलपड़े ने ओम वाले स्पीकर पर पांव रख दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इसके बाद श्रेयस ने माफी भी मांग ली है। कमाल धमाल मालामाल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन हेरा फेरी जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिर भी इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल फिल्म के एक सीन में श्रेयस ओम की स्टिकर लगे एक मिनी ट्रक को पैर से रोकते हैं, और अब सोशल मीडिया पर उनके इस सीन का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने श्रेयस पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि इस वीडियो पर बवाल होते ही श्रेयस ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। श्रेयस ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जब कोई शूटिंग करता है तो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे एक्शन सीन्स में हम एक माइंडसेट में रहते हैं, उस समय डायरेक्टर की मांग से लेकर समय की कमी जैसी काफी सारी चीजें रहती हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में जो कुछ भी देख रहा हूँ उसके लिए अपने आप को सही नहीं ठहरा रहा। मैं बस इतना कहता हूँ कि जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे ये चीज ध्यान देनी चाहिए थी और डायरेक्टर को भी बताना चाहिए था, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हों। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।